अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का मनसब एक पागल कर देने वाली जिम्मेदारी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हिम्मत हारने वाला नहीं हूं, चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूं, सियासत में खिदमत करने के लिए आया हूँ, मकबूल होने के लिए नहीं। टोरंटो में माह रमज़ान में मुस्लिम कम्युनिटी में फूड बैंक की मांग में इजाफा। फूड बैंक के इफ्तार के लिए मजीद अतियात की अपील। महंगाई के सबब शहर में फूड बैंक्स की मांग में इजाफा हुआ है। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीन के हामियों का मुजाहरा। टोरंटो में ट्रूडो की तकरीब में ताखिर करने वाली फलस्तीनी हामी रैली में दो अफराद गिरफ्तार। मुजाहरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। प्योतिन सदारती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब। प्योतिन की सदर मुंतखब होते ही मगरबी ममालिक को वार्निंग। रूस के सदर ने तीसरी आर्मी जंग से खबरदार कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वज़ीर आज़म का मनसब एक पागल कर देने वाली जिम्मेदारी है। रोज़ ख्याल आता है कि पागल कर देने वाली इस नौकरी को गुड बाय कह दूं, लेकिन यूं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वज़ीर आज़म का मनसब एक पागल कर देने वाली जिम्मेदारी है। रोज़ ख्याल आता है कि पागल कर देने वाली इस नौकरी को गुड बाय कह दूँ, लेकिन यूँ हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। आइंदा इंतखाबात तक तो बहरहाल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक इंटरव्यू में हुकूमत के सरबराह के तौर पर काम जारी रखने का आज़म किया, इसके बावजूद कि उन्होंने इस अहदे के साथ आने वाले ज़ाती चैलेंजेस को बयान किया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की हैसियत से काम करना आसान नहीं, हुक्मरानी के लिए ये बुरा वक्त, दुनिया भर में जमहूरियतें खतरे में, लोग अवामी ताकत के मुजाहरों की बुनियाद पर बात मनवाना चाहते हैं। 52 साल जस्टिन ट्रूडो अपने मुल्क के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म और एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक होने के साथ साथ इंतहाई मुनकसर मिजाज और अवामी तर्ज ज़िंदगी को पसंद करने वाली शख्सियत हैं। अपने मुल्क में इस्लामोफोबिया में मुब्तला इस्लाम मुखालिफ अनासिर के इंतहा पसंदाना सरगर्मियों के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम के बायस उन्होंने कनाडा में सकूनत पजीर मुसलमानों के तहफ़ और उनके मजहबी जज्बात को मुकदम रखा और उनकी हमदर्दियाँ हासिल की। वो माह रमज़ान के आगाज़ पर अपने खसूसी पैगाम में मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम के साथ माह रमज़ान और उसी तरह ईद के त्यौहार पर भी मुबारकबाद पेश करते हैं। ताहम अब उनका कहना है कि वज़ीर आज़म की हैसियत से काम करना आसान नहीं। ख़वातीन के हुकूक, LGBTQ के हुकूक और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में पेश उन मसाइल में से हैं जिनका दावा ट्रूडो ने किया कि उस वक्त कनाडा में खतरे लाहक है, और उसने जमहूरियतों पर आलमी हमलों की तरफ इशारा किया जिसे वो इंतहाई पॉपुलिज्म कहते हैं। उन्होंने इसरार किया कि कैनेडियंस को अगले इंतखाबात में बुनियादी इंतखाब करना होंगे कि वो किस किस्म का मुल्क चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो सियासत में खिदमत करने के लिए हैं, मकबूल होने के लिए नहीं, और उन्हें यकीन है कि उनके पास बतौर वज़ीर आज़म पेश करने के लिए कुछ है। ट्रूडो ने फ्रांसीसी जमान में इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं वो आदमी नहीं बन सकता जो मैं हूँ और इस वक्त लड़ाई छोड़ दूँ। टोरंटो में मुसलमानों की देखभाल करने वाला एक फूड बैंक रमज़ान के मुकद्दस महीने में मजीद अतियात की अपील कर रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मुसलमानों की देखभाल करने वाला एक फूड बैंक रमज़ान के मुकद्दस महीने में मजीद अतियात की अपील कर रहा है। फूड बैंक के रजाकार CEO ने कहा है कि खैराती तंजीम सकाफती तौर पर मुनासिब खुराक की मांग को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई,
खुराक की बुलंद कीमत और नए आने वालों की आमद की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मांग में नुमाया इजाफा हुआ है। जबकि ग्रेटर टोरंटो एरिया में फूड बैंक भी ज़रूरत से मखरूब हैं। उन्होंने कहा कि फूड बैंक को एक मुनफरिद चैलेंज का सामना है क्योंकि ये रमज़ान के दौरान लोगों की अफ्तारी के वक्त उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पूरे कनाडा में हलाल फूड की कमी है। पिछले चंद सालों में ये वाकई दुगना तीन गुना बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई और फलस्तीन, अफगानिस्तान, शाम, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, पूरी दुनिया से यहाँ आने वाले पनाह गुजीनों की वजह से। हमारे यहाँ पनाह गुजीन आते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। हमारा किरदार मुख्तसर मुद्दत में उनकी मदद करना, उन्हें खुराक, लिबास और इस जैसी चीज़ों से मुस्तहकम करना है। पिछले साल फूड बैंक ने महाना 30 से 50 खानदानों या तकरीबन 200 से 300 लोगों की मदद की। इस साल ये 100 से 250 खानदानों या तकरीबन 500 से 700 अफराद की महाना मदद कर रहा है। रमजानुल मुबारक के दौरान फूड बैंक अफ्तारी के लिए मेज़ पर खाना रखने में मदद कर रहा है। CEO का कहना है कि एक अफसोसनाक दिन जब टोरंटो का नया फूड बैंक ज़बरदस्त मांग के बाद खोलने पर मजबूर हुआ। नवंबर में टोरंटो के डेली ब्रेड फूड बैंक की एक रिपोर्ट में पता चला कि शहर के 10 में से एक शख्स ने 2023 में फूड बैंकों पर इन्हिसार किया। ये तादाद पिछले साल से दुगनी है। टोरंटो में ट्रूडो की तकरीब में ताखिर करने वाली फलस्तीनी हामी रैली में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में ट्रूडो की तकरीब में ताखिर करने वाली फलस्तीनी हामी रैली में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीन के हामियों ने मुजाहरा किया और ट्रूडो पर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाली सहयूनी हुकूमत के जराइम की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया गया और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। टोरंटो पुलिस का कहना है कि उन्होंने फलस्तीनियों के हामी एहतजाज में 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिसने वजीर आजम की तकरीब के आगाज में ताखिर की। पुलिस का कहना है कि 2 अफराद को जुमे को किंग एडवर्ड होटल के बाहर रैली के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जहाँ जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के एक फंड रेजर में मेहमान खसूसी के तौर पर नमूदार हुए थे। पुलिस का कहना है कि एक शख्स पर शरारत से इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जबकि दूसरे शख्स की डेविड मैनरीज के नाम से शनाख्त की गई थी, जिस पर अमन में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। एहतजाज के मुंतजमीन ने तकरीब से कबल एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि मुजाहरे का मकसद लिबरल पार्टी ऑफ कैनेडा को यह पैगाम देना था कि वो इसराइल और हमास की जारी जंग के दौरान मामूल के मुताबिक कारोबार के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। पुलिस ने जुमे की रैली को एक बड़े मुजाहरे के तौर पर बयान किया जिसने जबरदस्ती बंदिश की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी रहनुमाओं को तीसरी आलमी जंग के खतरे से खबरदार कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी रहनुमाओं को तीसरी आलमी जंग के खतरे से खबरदार कर दिया। इंतखाबात में कामयाबी के बाद खिताब करते हुए पुतिन ने मगरबी ममालिक की तनकीद को मुस्तरद करते हुए अपने हामियों को बताया कि उन्हें इसी तरह के रद्द अमल की तवक्को थी। 5वीं बार रूस का सदर मुंतखब होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का मसला संगीन है, यूक्रेन में मगरबी फौज मौजूद रही तो दुनिया में तीसरी आलमी जंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि वह इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि सरहद यूक्रेनी हामी फौजियों के हमलों से महफूज रहे। बतौर सदर उनका पहला काम यूक्रेन जंग से निमटना, फौज को मजबूत बनाना और दिफा को बेहतर बनाना है। उन्होंने अपनी जीत पर अमरीकी तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि आप क्या समझते थे कि हमारी जीत पर वो तालियां बजाएंगे, मेरी जीत से मुल्क और मजबूत होगा, अमरीका समेत मगरब में कोई जमहूरियत नहीं, रूस में इंतखाबी निज़ाम अमरीका से ज़्यादा शफाफ है, यूक्रेन में अमन के लिए किस से बात करें ये देखना होगा। मौजूदा यूक्रेनी सदर से बात नहीं हो सकती। रूसी सदर से नेटो के साथ बराह रास्त तसादुम के इम्कान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आज की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। यूक्रेन में मगरबी फौज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी जंगी अजीम के दहाने पर पहुंचा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चाहता है। रूसी सदर ने चीन की तारीफ करते हुए कहा कि चीन के खिलाफ पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, चीन और रूस के दरमियान पायदार ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। रूस में होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर व्लादिमीर पुतिन 87% वोटों के साथ 5वीं मरतबा रूस के सदर मुंतखब हुए हैं। 71 साल पुतिन के जीवी साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। पुतिन 1999 में इक्तदार में आए, वो मजीद 6 बरस तक रूस के हुक्मरान रहेंगे। दूसरी जानब अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन समेत दीगर मगरबी ममालिक ने इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार देते हुए नतायज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।